हेलो दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कोलोराडो गैम्बिट के बारे में। आज हम उसमें ही और भी वेरिएशन देखने वाले हैं। कोलोराडो गैम्बिट e4 nc6 देन नाइट f3 और यहाँ पे आपको f5 करना है, ये भी आपको पता है। इसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के मूव्स जैसे कि पॉन टेक्स पॉन, ये भी e5 हमने पहले देखा था और उसके बाद मैंने बताया था e takes f5, e f5 में आपको खेलना है d5। और यहाँ पे और भी कुछ वेरिएशंस थे जो लास्ट टाइम हमने देखा था, पॉन को सपोर्ट बिशप d3 वाला वेरिएशन, लेकिन आज d4 डायरेक्ट डेवलपमेंट का प्लानिंग है। तो d4 में आपको खेलना है bishop takes f5। अब ये सिंपल नॉर्मल दोनों की ओर से डेवलप पीसेस कर रहे हैं, तो bishop f5 के बाद bishop b5 ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है व्हाइट के लिए, आपका पॉन डबल करना। नाइट e4 की भी थ्रेट है, नाइट e5 की। तो यहाँ पे आपको रिप्लाई देना है e6, कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइट e5 से। आफ्टर नाइट e5 knight g e7, नाइट से सपोर्ट कर दो। क्वीन h5 चेक, कोई भी प्लेयर ज्यादातर चेक देते हैं क्योंकि ये जब डायगोनल ओपन होता है तो चेक वाली मूव बेस्ट गिनी जाती है। यहाँ पे g6 करके काउंटर अटैक करना है, queen e2, और ये आपके सेंटर पे वाइट ट्राई करेगा बहुत जबरदस्त अटैक के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल bishop g7, bg7 के बाद कैसलिंग और सिंपल गेम हो जाएगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा भी देखते हैं हम, g4, यहाँ पे नाइट e5 के बाद जब आप नाइट e7, तो यहाँ वाइट g4 कर सकता है अर्ली अटैक के लिए। तो g4 में आपको bishop e4 करना है। bishop e4 के बाद वाइट खेलेगा f3 और यहाँ पे bishop g6। चलिए अभी और वेरिएशन देखते हैं d5 के बाद। यहाँ पे d5 के बाद जैसे कि bishop d3 हमने लास्ट देखा था, पहले ही कोई knight h4 करके सपोर्ट करता है पॉन को, तो मूव ऑर्डर चेंज होके भी वही पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पे knight h6 से अटैक बढ़ाना है, queen h5 चेक। अब देखो bishop d3 इसमें नहीं है और queen h5 चेक ये डायरेक्ट। यहाँ पे g6 में f क्रॉस g6 और h क्रॉस g6 और queen takes g6। queen takes g6 में सिंपल knight f7 और ये रुक से डिस्कवर्ड अटैक। तो knight f7 के बाद knight f3 व्हाइट खेलेगा, rook h6, queen g3, bishop f5, d4, डिस्कवर्ड अटैक, rook g6, queen h4, qd7, bishop e3 और यहां पे लॉन्ग कैसल। अभी आप सोचोगे कि इसमें तो दो पॉन डाउन हो गए ब्लैक से, पर यहाँ पे कंपेंसेशन क्या है जानते हो दोस्तों, कि ब्लैक के सारे पीसेस एक्टिव है, व्हाइट का कैसलिंग भी नहीं हुआ है और व्हाइट के 4 पीसेस अभी इनएक्टिव है अभी भी। तो जैसे हमने स्कैंडिनेवियन में देखा था, आइसलैंडिक गैम्बिट या पोर्टुगीज गैम्बिट में हम दो दो पॉन सेक्रीफाइस करके गेम जीत रहे हैं, क्योंकि डेवलप हमारा बहुत ही पावरफुल होता है। चेस में जितने ज्यादा पीसेस आपका डेवलप होंगे आप आसानी से गेम जीतोगे, पॉन तो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं दोस्तों। तो लॉन्ग कैसल के बाद व्हाइट सपोज खेलेगा knight a3, क्योंकि अभी भी bishop takes c2 नेक्स्ट मूव हम कर सकते हैं पॉन रिकवर करने के लिए, इसलिए knight a3 यहाँ जरूरी है। यहाँ पे सिंपल e6 करना है और फिर से यही थ्रेट है bishop takes knight की।
तो E6 के बाद नाइट B5, नाइट B5, बिशप E7, बिशप E7 के बाद क्वीन F4, ओनली बेस्ट मूव क्वीन F4, और यहां पे रुक G4, और उसके बाद कंप्लीटली क्वीन ट्रैप। देखिए जैसे आप सामने वाला अटैक कर रहा है ओनली क्वीन लेके, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्वीन टेक्स और उसके बाद नाइट F7, अब सारे मूव्स आपकी ओर से फोर्स आ रहे हैं। देखिए सारे मूव आपकी ओर से फोर्स आ रहे हैं, जिसका रिप्लाई सिर्फ व्हाइट को देना रहे। नाइट G6 के बारे में क्या ख्याल है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने G6 किया, H x G6, तो नाइट G6 एक और ये भी ऑप्शन है, नाइट G6, ताकि डिस्कवर्ड बना रहे। नाइट G6 में यहां पे आपको बिशप G4 करना है, BG4 के बाद क्वीन G5, और उसके बाद रुक G8। अगर क्वीन H4 आता है, क्वीन H4, तो यहां आएगा क्वीन D6। सॉरी, क्वीन नाइट F7, नाइट G6 देख रहे हैं, सॉरी नाइट G6 में बिशप G4, क्वीन H4, तो यहां सिंपल आप रुक G8 करके खेल सकते। तो ये हो गई कोलोराडो गैम्बिट की पूरी लाइंस। अब आपके सामने पूरी ओपनिंग तैयार है, इसे बुक में सारे मूव्स लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट में इसका यूज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक फेमस ओपनिंग, सभी ने नाम सुना होगा, कैरोकान डिफेंस। उसमें स्पास्की गैम्बिट करके एक गैम्बिट लाइन है कैरोकान में, तो स्पास्की गैम्बिट हम सीखेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।